नमस्कार दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल गेट सेट स्टडी पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 7.1 क्लास 10th का डिस्टेंस फॉर्मूला से सॉल्व करने जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। कब फर्स्ट पार्ट ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। इसका बता देता हूं कि अगर कोई पॉइंट है, अगर कोई दो पॉइंट हैं कहीं पर भी और उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, सपोज पहला वाला कोऑर्डिनेट ये है 2.3 और दूसरा पॉइंट है 4.1, अगर मेरे को इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालनी है, क्या निकालनी है, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो इसके लिए एक डिस्टेंस फॉर्मूला लगता है। यहाँ पे क्या लगता है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे इन इसकी वैल्यू निकालने के लिए। डिस्टेंस फॉर्मूला आपका क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आप निकालेंगे तो ये निकलेगा आपका, ये आपका होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये y2। तो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं करना, x2 माइनस x1 की वैल्यू रख दीजिए, ये आपका x1 हो गया, ये x2 हो गया, तो 4 माइनस 2 रख देंगे, पहले रूट में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। x2 की वैल्यू कितनी हो गई 4, x1 की वैल्यू हो गई 2 उसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हो गई 1 माइनस y1 की वैल्यू हो गई 3। अब इनको सॉल्व करते हैं, 4 में से 2 गए 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 करेंगे तो माइनस का 2 आएगा उसका स्क्वायर, 2 जो कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 जो 4 और माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो उसका आंसर प्लस हो जाएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे और 2 + 2 × 2 = 4 आ जाएगा, इसका भी आंसर कितना हो गया 4। तो रूट की वैल्यू आ गई आपकी 4 + 4 कितनी हो गई आपकी 8, 4 + 4 = 8। अब इसके रूट की वैल्यू 8 की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। 8 की कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप एलसीएम मेथड जानते ही होंगे, फैक्टराइजेशन मेथड, इसको कर दीजिए 2 से, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2, ये आपके पेयर बनाना है, तो आपको उसका स्क्वायर की स्क्वायर रूट की वैल्यू निकाल लेना, तो पेयर बनाइए, ये एक पेयर बन रहा है सिर्फ 2 का, ये वाला 2 अकेला बच जाएगा, तो हम क्या करेंगे जो पेयर में बनेगा उस 2 को बाहर निकाल लेंगे और जो अकेला पेयर के बाहर अलावा बचेगा उसको रूट के अंदर ही लिखेंगे। तो इसको यहां पेयर बनाए 2 का, तो इसका 2 बाहर आ गया और एक 2 ये जो अकेला बचा ये रूट के अंदर रह जाएगा, तो इसका ये आंसर हो जाएगा आपका 2√2। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं।